स्वागत है आपको हमारे चैनल बेसिक कसरती पॉइंट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन की पूरी जानकारी हम क्या होती है, कैसे इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर, इसके डेरिवेटिव, सारा कुछ पढ़ेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं कि बेंजीन कैसे बनती है, कैसे हम पहचानेंगे, इसके बारे में पूरा हम जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में तो आप तो जानते होंगे, पिछली वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा अगर नहीं देखे हैं तो। तो इसके पहले होता है एलिफैटिक कंपाउंड, एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफैटिक में क्या होता है, नन साइक्लिक और एक साइक्लिक। नन साइक्लिक मतलब समझ रहे होंगे कि साइकिल नहीं बनाएगा, ये साइकिल नहीं बनाएगा, ये कार्बन सीधी रहेगी, ऐसे C हो गया। और साइक्लिक में वो होगा जो कार्बन कार्बन मिलके एक रिंग बना देगा, उसको बोलेंगे साइक्लो। और जो रिंग नहीं बनाएगा उसको उसके नाम से बुलाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया। और ये अगर इसी को एक इस रिंग को और इस कार्बन को अगर मैंने दोनों के मुंह को जोड़ दिया, यहाँ ला दिया, तो देखो 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ भी तो साइक्लो ब्यूटेन हो गया। ये भी ब्यूटेन है लेकिन साइक्लो, क्योंकि रिंग बनाया। यहाँ देखो 5 कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन, यहाँ मैंने क्या किया 1, 2, 3, 4, 5 पे, तो साइक्लो पेंटेन क्योंकि ये रिंग बना हुआ है। ये के देखो स्ट्रेट है तो ये नन साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। जहाँ साइक्लिक साइक्लो हो गया, साइक्लिक है तो साइक्लो हुआ। और ये नन साइक्लिक यानी कि साइकिल नहीं है, तो हेक्सेन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सेन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइक्लो हेक्सेन। यहाँ प्रोपेन तो साइक्लो प्रोपेन 1, 2, 3 रिंग, तो यहाँ 1, 2, 3 रिंग, यहाँ मैंने त्रिभुज बना दिया, साइक्लो पेंटेन हो गया। तो उम्मीद पहचान लगे होंगे। अब इसी को हम कहते हैं, इस जो ये आपको 6 कार्बन दिख रही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहीं पे इसको बोलते हैं साइक्लो हेक्सेन। अभी तक तो ये साइक्लो हेक्सेन है, लेकिन अगर इसमें जहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये ऐसे ऐसे 3 जगह डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको कहते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि बेंजीन यही है, इसी को बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, जहाँ भी रिंग बनाएगी, जहाँ भी कार्बन की संख्या रिंग बनाएगी, जहाँ भी कार्बन की संख्या अगर सीधी है तो वो उसके नाम से जाना जाएगा। अगर यही कार्बन की संख्या अगर मुड़ के अगर इस तरह से बना दिया तो साइक्लो हो जाता है। इस तरह से बनाएगा ऐसे ऐसे बना देगा ऐसे, तो ये मान लेना कि ये साइक्लो है। साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, यानी कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी हम पेंट हेक्स हेक्स वैसे टर्म बढ़ाते रहेंगे, बस साइक्लो साइक्लो बोलते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो साइक्लो हेक्सेन है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे डबल बाउंड ऐसे लगा दिया इस तरह से, तो ये बेंजीन हो गया, इसी को बेंजीन बोलते हैं। और आज हम इसी के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, इसके अंदर क्या खेल है, क्या क्वालिटीज़ है इसके अंदर, तो हम पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के पर आते हैं। तो इसके बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर में कौन होते हैं, एक होता है केटुले स्ट्रक्चर, एक होता है केमिकल स्ट्रक्चर, एक होता है रिजोनेंस स्ट्रक्चर। तो हम आज तीनों के बारे में जानेंगे। केतुले का खेल पता है क्या है, केतुले एक वैज्ञानिक थे, तो एक दिन वो बैठे थे ना अचानक, तो एक उन्होंने एक सांप को देखा। सांप क्या कर रहा था कि सांप अपने मुंह से अपने पूंछ को पकड़ रहा था। सांप जो होते ना वो अपने मुंह से अपने पूंछ को पकड़ रहा था, तो अचानक उन्होंने क्या देखा कि जब सांप अपने मुंह को अपने पूंछ को पकड़ रहा था तो एक रिंग बन रही थी, ऐसे घेरा नहीं बन जाएगा, जब आप अपने पैर को छुओगे झुक के तो एक ना ऐसे गोल तरह का बन जाएगा, साइकिल की तरह, तो सांप एक साइकिल बन गया। तो उन्होंने कहा कि जब ये नेचर में यानी कि ब्रह्मांड में कोई भी नेचुरल चीज़ एक साइकिल बना सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जब देखा कि सांप अपने पूंछ को पकड़ के ऐसे गोल गोल बन गया, तो उसी को देख के उन्होंने ये ऐसा कह दिया, और जब से ये बेंजीन बन गया। और उन्होंने ऑर्गेनिक में रसायन विज्ञान में उसका नाम दे दिया, और इस तरह से, तो यानी मान लो कि सांप ये है, सांप का ये मुंह है, ये पूंछ है, दोनों आकर के जुड़ गया, और जुड़ने के बाद ये साइकिल बन गया, तो इसको बेंजीन कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा, सांप को देख उन्होंने कहा कि जो पहला कार्बन होते हैं, पहला कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्ट होते हैं, और सही बात है, कनेक्ट भी है। देख लो कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो आप कोने कोने देख रहे हो ना, एक कोना एंगल, एक एंगल, दो एंगल, तीन, ये सारे क्या, सब पे कार्बन लगा है। तो उन्होंने ये कहा कि कार्बन क्या करती है कि कार्बन भी जिस तरह से सांप अपने पूंछ को पकड़ता है, तो कार्बन भी क्या करते हैं, कार्बन दूसरे कार्बन को पकड़ के एक रिंग बना देता है। तो यहाँ कह रहा है कि देख रहे हो कि छठा कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 ये छठा कार्बन एक नंबर कार्बन से कनेक्ट हो गया, एक रिंग बना दिया, तो उसको क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि बस पहला कार्बन दूसरा कार्बन से कनेक्ट होते हैं, तो क्या फर्स्ट कार्बन कनेक्ट विद द लास्ट कार्बन, उसके बाद यानी कि 1 6 एक से छठा कार्बन कनेक्ट है, एक से छठा कार्बन कनेक्ट है। ठीक है, साइंस कैटले गिवन दिस मेथड बाय स्नैक। तो ये हो गया केतुले स्ट्रक्चर, ये केतुले हो गया। अब आते हैं हम
कैथुले ने यही इतना ही कहा था। अब आते हैं केमिकल स्ट्रक्चर पे, देख रहे हैं इस। अब मैं बेंजीन का पूरा अंदर का खेल आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या खेल है, क्या लॉजिक है। देखो आप, अब देखो केमिकल तो हो गया, अब केमिकल स्ट्रक्चर पे आते हैं। कैथुले स्ट्रक्चर तो हो गया, केमिकल स्ट्रक्चर में देखो क्या खेल है। यहाँ कन्फ्यूज मत होना, यही चीज मैंने इसी बेंजीन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है इसे मैंने बाहर निकाला है, ठीक है। चलिए आपको लेकर चलते हैं दूसरे पेज में, इसको एक्सप्लेन से बताएंगे कि इसके अंदर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड, ये क्या है ये सब। तो चलिए चलते हैं केमिकल स्ट्रक्चर बेंजीन के बारे में। तो देखिए ध्यान से देना, मैंने पूरा उधेड़ के रख दिया, पूरा नंगा खड़ा है ये बेंजीन। अब देखो क्या क्या लॉजिक है, मेन यही है जो इतना यही लोग भूल जाते हैं अक्सर, उन्हें पता नहीं होता, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट इन बेंजीन, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 6 कार्बन प्रेजेंट है बेंजीन में, ठीक है। और ये देखो 1 हाइड्रोजन अटैच विथ इच कार्बन, यानी प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच है। देखो 1 से 1 हाइड्रोजन 2, 3 इसे है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारा हाइड्रोजन एक एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच है, ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब क्या कह रहा है, मोलेकुलर फार्मूला C6H6, यहाँ देखो C6H6 यानी 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये भी सही है। एक देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन और 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो इसका ये मोलेकुलर फार्मूला हो गया। मोलेकुलर वेट इसका क्या होगा, 12 × 72 और 6 × 78 यानी कि 78 हो गया मोलेकुलर वेट इसका। और देखो लॉजिक क्या है इसमें, अब देखना कि डबल, आप देखो याद रखना कि जब कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, यहाँ भी कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, यहाँ देखो इसको जो ऐसे दिख रही है ना, ये डबल बॉन्ड उसको बोलते हैं। तो देखो कि कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 ये दोनों के बीच में क्या है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। फिर C2 से C3 डबल बॉन्ड, फिर C3 से C4 सिंगल बॉन्ड, फिर C4 से C5 डबल बॉन्ड, फिर C5 से C6 क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर C6 से C1 डबल बॉन्ड, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन, एकांतर क्रम में है ना, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट पोजीशन में, यानी कि एक डबल बॉन्ड एक सिंगल, फिर एक डबल फिर एक सिंगल, फिर एक डबल फिर एक सिंगल, यही इसकी खासियत है। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से ऐसे घूमते रहते हैं। और इसमें क्या है, कार्बन की 6 संख्या, 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है इसमें। आप देखो यहाँ तो समझ गया आपने, यहाँ मैंने लिख दिया है C1 से C2 और C3 से C4 और C5 से C6 टोटल क्या है, सिग्मा बॉन्ड से, यानी कि सिंगल बॉन्ड से। देखो C1 से C2 सिग्मा बॉन्ड है ना, एक ही बॉन्ड है। देखो फिर देखो C3 से C4 सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है C5 से C6 क्या है, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि यहाँ सिग्मा सिंगल बॉन्ड। अब देखो C2 से C3 डबल बॉन्ड, फिर देखो C4 से C5 डबल बॉन्ड, फिर C6 से C1 डबल बॉन्ड। तो यहाँ यहीं क्या है, डबल बॉन्ड यहीं पे मैंने लिखा है, इस तरह से आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर समझ में ना आए तो। तो आपने क्या क्या जान लिया कि बेंजीन के अंदर 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, इसकी मोलेकुलर फार्मूला C6H6 होती है, इसका मोलेकुलर वेट 78 होता है, इसमें क्या होते हैं कि C1 C2 यानी कि इसमें 3 होते हैं सिग्मा बॉन्ड, और भी आगे बढ़ते हैं आपको मैं आगे दिखाता हूँ। और इसमें क्या होता है, बेंजीन में इन बेंजीन 6 कार्बन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एंड 3 कार्बन पाई बॉन्ड में होते हैं, ये आप याद रख। यहाँ पे क्या होता है कि 6 होते हैं सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होता है। अब देखो आप कैसे 6 सिग्मा बॉन्ड कैसे है, देखो जो डबल बॉन्ड है उसमें भी तो एक जो डबल पाई बॉन्ड रहेगा ना उसमें भी एक सिग्मा माना जाता है, तो यहाँ पे 3 पाई है, तो 3 पाई से एक एक सिग्मा निकालो, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ठीक है। और वो जो पहले से ही सिग्मा है यानी कि सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड ये हो गया 1 सिंगल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड, तो 3 सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, और फिर डबल 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 3 पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड से भी एक एक सिग्मा निकालो, तो 3 उसे निकला और 3 पहले से ही अकेला है, तो 3 3 6 यानी कि 1 1 सिंगल 1 2 3, और देखो फिर डबल से लो तो 1 2 3, तो क्या हो गया 3 3 6
तो इसमें क्या होगा, 6 हो गया सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। अब 3 पाई बॉन्ड कहाँ है, तो देखो एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड क्या हो गया, 3 पाई बॉन्ड है और 6 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं, समझ में तो आ गया होगा। 6 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, यानी कि 6 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, यानी कि बेंजीन में 6 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ये आप याद रखना। क्लियर है, देखो 1 2 3 तीन पाई बॉन्ड और 1 2 3 सिग्मा और पाई पाई से फिर एक एक उठाओ, डबल डबल से भी एक एक सिग्मा निकालो, तो 6 हो गया। तो हो गया कि नहीं, 6 सिग्मा हुआ, 3 पाई हुआ, और जब भी टूटेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा सिग्मा, क्योंकि मजबूत होता है। और भी एक बात पता है, बेंजीन में टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड 12 होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। अब आप कहोगे कि अभी तो आपने कहा 6 बॉन्ड होते हैं सिग्मा, 6 सिग्मा 3 पाई, लेकिन नहीं, 6 12 बॉन्ड, 12 सिग्मा टोटल बेंजीन, पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर मिला के 12 सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा। वो भी कैसे, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो 6 तो मैंने कहा था कि इससे निकल गया, 6 निकल गया ना, क्योंकि 6 तो इसमें पाया गया। अब आप देखो कि हाइड्रोजन भी तो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड से चिपका हुआ है, कार्बन से लगा हुआ है, तो ये भी तो गिना जाएगा, ये भी तो काउंट होगा। देखो मैंने इसको काउंट नहीं किया था ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी और 6 सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर भी, तो 6 6 12 हुए, हो गए ना। तो यहाँ टोटल क्या होगा, 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होगा। तो ये आप याद रखना कि अगर कोई कहे कि सिग्मा में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो 12 होते हैं और पाई बॉन्ड 3 होता है, और जो कि 6 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े होते हैं और 6 सिग्मा बॉन्ड इसके बेंजीन के अंदर राउंड राउंड घूमते हैं। यहाँ आप ध्यान देना, सारा कुछ बेंजीन ही है, ये सब बेंजीन ही है। इसमें मैंने ऐसे ऐसे ज़्यादातर बेंजीन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, इसको मैंने एक्सप्लेन किया, जब मैं इसमें इसको डिटेल में ले गया तो ये इस तरह से आएगा। फिर इसको मैंने कार्बन शो नहीं किया, सिर्फ हाइड्रोजन चिपका दिया है इसको, तो ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, सब बेंजीन ही है, बेंजीन का डेरिव सब ऐसे ही है। अब बात आती है कि बेंजीन को हम पहचानेंगे कैसे, ये अगर ऐसा है तभी तो हम बेंजीन उसको कह सकते हैं, है ना। अगर ऐसे है ना, फिर भी इसको बेंजीन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे कर दें तो ये बेंजीन हो जाएगा। तो हम अगर ऐसे रह गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि बेंजीन है या नहीं है, ये भी तो आप कहोगे ये भी तो बेंजीन है, फिर ये भी तो बेंजीन है। तो इसी को पहचानने के लिए, हम पहचानेंगे कौन बेंजीन है कौन नहीं है, इसके लिए एक रूल आता है, उसको बोलते हैं हक्कल रूल। तो हक्कल रूल को जो फॉलो करेगा वही बेंजीन होगा, जो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा बेंजीन नहीं होगा। तो देखो, बेंजीन दोज कंपाउंड विच फॉलो द हक्कल रूल कॉल्ड बेंजीन। अब हक्कल रूल क्या है उसके बारे में चलिए जानते हैं। हक्कल रूल से पहले जानते हैं हम रेजोनेंस के बारे में। अब नया वर्ड आया है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस उसको बोलते हैं जो ये पाई जो बॉन्ड दिख रही है ना, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे, इस ये क्या होता है जगह में चेंज, ये क्या होता है, ये यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, ये यहाँ जा जाता है, और ये राउंड राउंड घूमता है बहुत तेज़ी से, समझे। तो इसी को कहते हैं रेजोनेंस, जो कि बेंजीन के अंदर की जो डबल बॉन्ड होती है वो बहुत स्पीड में राउंड करते रहते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और एक बहुत स्पीड में घूमते हैं, तो वो गोल जैसा दिख जाता है। जैसे देखो, यही बॉन्ड को मैंने यहाँ किया है, तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, देखिए यहाँ आ गया, फिर ये बॉन्ड यहाँ गया, फिर ये बॉन्ड वहाँ चला गया, फिर देखिए यहाँ, फिर जब ये बॉन्ड यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ गया, और फिर ये बॉन्ड यहाँ गया, तो यहाँ ऐसा देखने को मिला। और यही क्या होता है कि ये ऐसे ही हमेशा होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और घूमते घूमते क्या होता है, एक ऐसा आकार, मतलब कि गोल, जैसे आप देखते हो जब फैन चलता है, सीलिंग फैन, तो उसमें क्या होती है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमता है, तो एक पूरा गोल तरह का सर्कल दिखाई देता है, और पत्ते हमें नहीं दिखते जब स्पीड में होती है, वो क्या पूरा गोल गोल दिखाई देता है। तो वही काम इसमें होता है, फैन की तरह बहुत स्पीड में नचता है बॉन्ड, और उसका नतीजा ये होता है कि हमें दिखता है एकदम गोल तरह का। तो इसी को कहते हैं रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस का मतलब है कि घूमते रहना। तो हम देखिए, हमने यहाँ लिखा, ये अपनी जगह हमेशा बदलते रहते हैं, जैसे पंखा को आप देखो जब चलता है सीलिंग फैन, तो उसमें वो घूमती रहती है, तो ऐसा लगता है कि पत्ते दिखते नहीं हैं, वो एक समान सब दिखते हैं, गोल जैसा दिखता है, वही पंखे की तरह इसके अंदर बेंजीन के अंदर घूमते रहते हैं ये डबल बॉन्ड, तो उसको इसी को कहते हैं रेजोनेंस।
देखो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आर कंटिन्यू रनिंग लाइक फैन, यानी कंटिन्यू रन करते हैं, ऐसे ऐसे घर सकते रहता है तो क्या होता है, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे देखो आप यहाँ देखो मैंने ऐसे किया है, ये बॉन्ड यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ क्या हुआ, यही यहाँ आ गया, फिर ऐसे करते करते ऐसे रन कर रहा है। अभी एक पोजीशन, एक और दो पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर देखो फिर दो तीन पे आ गया, यही डबल बॉन्ड यहाँ आ गया कि नहीं, फिर यही डबल बॉन्ड और ये जो और ये तीन चार पे था वो चला गया पाँच छः पे, फिर ऐसे करते करते क्या होता है ये रन ऐसे घूमते रहता, घूमते 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 ये ऐसा बन जाता है, तो इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। अब आते हैं पोजीशन ऑफ कार्बन, इसमें पोजीशन ऑफ बेंजीन, इसमें याद रखना कि ये जो आप यही बेंजीन है ना, तो इसको बोलते हैं की कार्बन, और इसको इसको बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो इसको बोलते हैं मेटा, मेटा इसको बोलते हैं पैरा। इसमें क्या होता है देखो आप, ये ऑर्थो ऑर्थो ये जो कार्बन दिख रहे हैं दो कार्बन, ये ऑर्थो हो गया, ये की कार्बन हो गया, इसके अकॉर्डिंग अगर की कार्बन ऊपर है तो उसी के अकॉर्डिंग ये बदलेगा, तो और ये दोनों मेटा और ये दोनों ऑर्थो, ये पैरा, तो ऑर्थो मेटा पैरा ये याद रखना। इसमें क्या होता है, द की एटम इज एन इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई पोजिशन ऑफ बेंजीन। की कार्बन जो होती है ना ये, इसको बोलते हैं ऊपर वाला कार्बन की कार्बन होता है, और इसकी इसी के अकॉर्डिंग हम अगर ये की कार्बन यहाँ रहा तो ये दोनों ऑर्थो हो जाएगा, ठीक है, अगर ये की कार्बन यहाँ रहा तो ये दोनों ऑर्थो हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बदलता है। जैसे देख लो आप यहाँ, अगर देखो मैं यहाँ पे ये की कार्बन यहाँ था तो इसके लग इसके जस्ट बगल वाला कार्बन ऑर्थो ऑर्थो हो गया, ये मेटा मेटा हो गया, लेकिन अगर ये की कार्बन यहाँ आ गया तो देखिए उसके बगल वाला ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा ये पैरा। तो याद रखना इसका पोजीशन कभी मत भूलना, ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए, अगर भूल अक्सर लोग भूल जाते हैं इसमें और कन्फ्यूज़न होती है, तो याद रखना कि ये इसमें क्या होती है कि दो कार्बन ऑर्थो, दो दो कार्बन, फिर दो कार्बन मेटा, और एक पैरा और एक की कार्बन, ठीक है, ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा पैरा, ये पोजीशन याद रखना। इसको याद रखने के लिए मैंने एक नाम ट्रिक अपनाया, देख लो आप ट्रिक को, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश से आप ये देख लो ओ यानी कि ऑर्थो, और एम से मेटा, और पी आर से प्रा से पैरा, यानी ओम प्रकाश ओ ऑर्थो मेटा पैरा, ओम प्रकाश तो ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा पैरा, याद रखना ऐसा होता है, ठीक है। टोटल इसमें क्या छः कार्बन होते हैं बेंजीन में, एक कार्बन की कार्बन होता है, दो कार्बन ऑर्थो, दो कार्बन मेटा, और एक कार्बन पैरा। देखो दो कार्बन ऑर्थो, एक कार्बन दो कार्बन, दोनों ऑर्थो ऑर्थो सामने सामने, फिर ये मेटा मेटा, ये फिर पैरा, तो दो पैरा नहीं, दो ऑर्थो दो मेटा एक पैरा एक की कार्बन, सब फिक्स हो गया, तो यही है पोजीशन। अब आते हैं हकल रूल पे, हकल रूल मैंने बताया था पिछली बार, तो बेंजीन का हकल रूल क्या होता है, दो दोज और एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, बेंजीन को ही बोलते हैं, विच फॉलो द हकल रूल, जो हकल रूल को नियम को पालन करता है उसी को हम बेंजीन कहेंगे, पहचानेंगे कि हाँ ये बेंजीन है, अगर जो हकल के नियम को फॉलो नहीं करेगा इसका मतलब वो बेंजीन नहीं है, उसका एक इक्वेशन होता है, यह बेंजीन, ठीक है, तो इसका एक और इसकी शर्त होती है कि इतना इतना, तो हकल रूल होने के लिए तीन शर्त पूरी होनी चाहिए तभी वो बेंजीन कहलाएगा, अगर तीन शर्त जिसमें पूरा नहीं होगा वो बेंजीन नहीं है। पहला, कंपाउंड शुड बी साइकिल, कंपाउंड साइकिल होना चाहिए, देखो ये साइकिल है ना, साइकिल है, ठीक है, और शुड बी कंजुगेशन यानी कि अल्टरनेटिव पोजिशन होना चाहिए, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, जैसे देखो एक दो तीन चार पाँच है ना, तो ये देखो एक दो, देखो ये अल्टरनेट पोजीशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, ये एक अल्टरनेटिव पोजीशन है, तो ये भी होना जरूरी है, तो यहाँ भी देखो है ना, ऐसे ऐसे अगर कर दोगे आप तो है ना, तो ये कह रहा है कि शुड बी कंजुगेशन और अल्टरनेटिव पोजीशन होना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात, इस इक्वेशन को एग्जिस्ट होना जरूरी है, ये इक्वेशन अगर बट्टा में आया तो वो नहीं होगा, अगर जो सम संख्या आया तो वो एरोमेटिक होगा, जो सम संख्या नहीं आएगा वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका होता है 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, अब इसको हम देखते हैं, और कंपाउंड शुड बी साइकिल, रेजोनेंस भी होना चाहिए, देखो रेजोनेंस भी है, तो ये बेंजीन है। अब हम देखेंगे कई कई ऐसे भी होते हैं जो रेजोनेंस नहीं होते हैं, तो चलिए चेक करते हैं, जैसे अब ये है, तो अब इसको हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर याद रखना कि जहाँ भी पाई बॉन्ड रहेगा वहाँ से दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो टू पाई बॉन्ड में, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो टू पाई में चार इलेक्ट्रॉन, तीन पाई में छः इलेक्ट्रॉन, चार पाई में आठ इलेक्ट्रॉन, पाँच पाई में दस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या है, दो पाई है, पाई मतलब डबल बॉन्ड, यानी कि दो डबल बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन, तीन डबल बॉन्ड में छः इलेक्ट्रॉन,
चार डबल बॉन्ड में आठ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ दो डबल बॉन्ड है तो यहाँ हम तो क्या करेंगे, दो डबल बॉन्ड यानी कि चार इलेक्ट्रॉन, तो ये फार्मूला इस पर बैठा दो तो देखो 4n+2=4, यानी कि दो डबल बॉन्ड तो चार मैंने लिया, अब देखो 4n+2, अब यहाँ जब इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा इस अंक को, तो क्या करेंगे चार में दो घटा दो तो क्या बचा, तो 4n2-4 कर दिया ना तो माइनस हो गया, अब तो दो में चार गया, चार में दो गया तो क्या दो बचा, तो 4n और फिर करेंगे n बराबर तो क्या होगा 2/4, तो 1/2 आ रहा है इसका, है ना, तो ये क्या है 1/2 आर, मैंने बताया था कि बटे में आएगा तो नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, दिस इज नॉट एन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अब इसमें कितना पाई बॉन्ड है, तीन पाई बॉन्ड है, एक दो तीन, यानी तीन डबल बॉन्ड है, तीन डबल बॉन्ड यानी कि छः इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फिर इसको बैठाओ उसी फॉर्मूला का, तो 4n+2=6, 6 कहाँ से आया, यानी कि इसमें तीन पाई बॉन्ड है, तीन डबल बॉन्ड है तो छः इलेक्ट्रॉन, तो छः मैंने यहाँ लाया, फिर 4n=6-2, अगर फिर मैंने क्या किया 2 को इधर लाया, माइनस में हो गया, प्लस माइनस में हो जाता है जब पोजीशन चेंज होती है, फिर तो 6 में 2 गया तो 4n=4, तो n=4/4, तो 4/4 करें तो 1, देखिए 1 आ गया, इसका मतलब है ये एरोमेटिक है, सच में एरोमेटिक है कि नहीं, क्लियर। देखिए साइकिल भी है, रेजोनेंस भी है ना, और ये इस इक्वेशन को एग्जिस्ट भी करता है। रेजोनेंस मतलब यही समझना कि रन कर रहा है, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ ऐसे ही करते करते ऐसा आकार बना रहा है, ऐसे गोल हो रहा है, तो ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, तो इसी को कहते हैं हकल रूल, जो इस क्वेश्चन को पूर्ण संख्या में आएगा वो एरोमेटिक होगा, तो दिस इज एन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये रहा बेंजीन की पूरा खेल, यही था बेंजीन, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन बात एक बार पूरा मैं दिखा देता हूँ, देखो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हो गया, ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है ना, ये देखो, और ये क्या हो गया, रिजोनेंस ऑफ बेंजीन, जो मैंने दिखाया कि रिंग स्पीड में घूमती है, घूमते घूमते वो साइकिल बनाती है, और ये इसी को रिजोनेंस बोलते हैं। पोजिशन में क्या होता है, ऑर्थोमेटा पैरा होता है, ये भी बताया मैंने, ये आपको समझ में आ गया, और हमेशा पैरा हकल रूल में मैंने क्या कहा कि जो साइकिल होना चाहिए वही रिजन, वही एरोमेटिक होगा, वही बेंजिन होगा, कंजुगेशन होना चाहिए, और ये 4n+2 इसी को हकल इक्वेशन, इसको इक्वेशन में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसको नापने के लिए मैंने अभी आपको ये बता दिया कि कैसे इसको काउंट करना है, इस इक्वेशन को किस तरह से इसको बैठा करके हमको आंसर लाना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना याद रखना, दो ये भी क्लियर है। चलिए तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, थैंक यू।